मध्य प्रदेश में भी अब चीन सहित अन्य विदेशी पटाखों की बिक्री नहीं होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रालय में कानून और व्यवस्था की समीक्षा करते हुए विदेशी पटाखों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अवैध रूप से विदेशी पटाखे बेचने पर 2 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील भी की है कि वे चीन में बनी सामग्री नहीं खरीदें। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय उत्पाद जैसे मिट्टी के दीपक खरीदें, इससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिलेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने विदेशी पटाखों खासतौर पर चीन में बने पटाखों को प्रतिबंधित करने के लिए कहा है। अब ना तो विदेशी पटाखे बिक सकेंगे और ना ही कोई इनका भंडारण कर सकेगा। देवी देवताओं के नाम पर पटाखे बनाना और इनके फोटो लगाना भी प्रतिबंधित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि चीनी या अन्य विदेशी पटाखों के भंडार, परिवहन, विक्रय और उपयोग को हम पूरी तरह से प्रतिबंधित करेंगे। चीनी अथवा अन्य विदेशी पटाखों के भंडारण, परिवहन, विक्रय या उपयोग पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9V, 1V के अंतर्गत 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मेरी अपील है कि स्वदेशी पटाखे बेचें, उन्हीं का उपयोग करें, विदेशी पटाखों का उपयोग ना करें। हमने ये फैसला भी किया है कि देवी देवता हमारी श्रद्धा और आदर के केंद्र हैं और इसलिए ऐसे पटाखों की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी जिसमें देवी देवता का फोटो हो। मैं अपील भी करता हूँ कि देवी देवता के फोटो वाले पटाखों का प्रयोग ना करें। गौरतलब है कि ओडिशा व राजस्थान बिक्री पर रोक की अधिसूचना पहले ही जारी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV भारत।